Hello friends, I'm Sanjay Gupta and I welcome you again on Sanjay Gupta Tech School. So, जैसे कि आपको मालूम है कि ये C language video series जो कि हिंदी में prepare हो रही है for beginners, उसका video number 7 और you can say lecture number 7 है. तो इस lecture में हम discuss करेंगे conditional statements. So basically conditional statements 4 होते हैं. तो दो हम इसी lecture में discuss करेंगे जो कि है simple if और if else. और दो हम अगले लेक्चर जो कि अगला वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8. सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इनके सिंटेक्स क्या होते हैं. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीन प्रोग्राम्स की टाइटल नीचे लिखी हुई है जो कि मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा. तो जैसा कि हर वीडियो में ट्रेंड होता है कि मैं पहले आपको थियोरेटिकल चीजें एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो इस वीडियो में भी हम उसी को फॉलो करेंगे. एंड अगर पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हम प्रीडिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं और ASCII वैल्यूज का यूज कैसे होता है. तो उसमें भी मैंने आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताया था. तो अगर आपने ये वीडियो मिस किया हो या फिर आप पूरी वीडियो सीरीज का लिंक ढूंढना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ. डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट लिंक, उस प्लेलिस्ट लिंक को ओपन करेंगे तो आपको सारे वीडियोज ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में अरेंज मिल जाएंगे. एंड जिनके पास वो लिंक ऑलरेडी है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो अगर ऑनलाइन क्लासेस आप मुझसे लेना चाहते हो या फिर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो इन डिटेल्स को यूज कर सकते हो. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं आपको थियोरेटिकली बताता हूँ कि सिंपल इफ और इफ एल्स के सिंटेक्स क्या है एंड देन फिर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे. तो सबसे पहले सिंपल इफ. तो सिंपल इफ के ये दो सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है. तो ये मैंने चूज किया हाइलाइटर. तो ये है पहला सिंटेक्स. तो जब भी हम सिंपल इफ यूज करते हैं तो आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है इफ. इफ इज अ कीवर्ड. तो कीवर्ड मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है. तो इफ एक कीवर्ड है जिसके पैरेंथेसिस के अंदर हमें कंडीशन लिखना होता है और ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो दूसरा सिंटेक्स है अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज किए हुए हैं. ठीक है. और यहाँ बोला गया है स्टेटमेंट 1 to n. तो अब देखिएगा डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास में इफ कंडीशन ट्रू होने पर एक ही स्टेटमेंट है तब तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो उसको ग्रुप करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना होगा. तो नीचे भी लिखा हुआ है नोट के अंदर इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट देन ब्रेसेस आर ऑप्शनल, अदरवाइज दे आर कंपलसरी, राइट. एंड सिंपल इफ ओनली फोकसेस अपॉन द ट्रू पार्ट और ट्रू ब्लॉक ऑफ द प्रॉब्लम. अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि उसके लिए हमें एल्स लिखना पड़ेगा एंड हियर इट इज रिटन एल्स इज ऑप्शनल इन इफ स्टेटमेंट. तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है कि जहां पर आपको इफ कंडीशन लगानी और आपको चेक करना है कि अगर ये ट्रू हो तो ये काम हो जाए और फॉल्स हो तो हमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है. तो उन प्लेसेस पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल इफ. ठीक है. अब बात करते हैं इफ और एल्स की. तो बेसिकली ये सिंपल इफ, इफ एल्स या आगे आने वाले दो चीजें और है जो कि है नेस्टेड इफ और एल्स इफ लैडर. तो ये सब मिलाकर आपकी रियल लाइफ को भी रिलेट करते हैं. तो रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है और डेली होता है कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में दो चीजें चल रही होती है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, यस और नो, ट्रू और फॉल्स. तो सिमिलरली हम इफ एल्स को भी उन्हीं पर्पज को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. तो अब देखो आप चाहते हैं कि आप ट्रू के साथ साथ फॉल्स वाले ब्लॉक को भी पॉइंट करें तो उसके लिए हम क्या सिंटेक्स यूज करेंगे, इफ एल्स. ठीक. और सिंटेक्स वर्ड का मीनिंग आपको समझना है कि ये रूल्स को फॉलो करता है, मतलब रूल्स को इंडिकेट करता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपको रूल्स की बात आएगी तो आपको वर्ड यूज करना है सिंटेक्स. तो इफ, इफ के साथ कंडीशन लिखा, ये इसका ट्रू ब्लॉक है. एल्स के साथ इसका फॉल्स ब्लॉक आएगा. कर्ली बेसिस का रूल सेम है कि अगर इफ के ट्रू ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है तो ये जो कर्ली बेसिस है ये ऑप्शनल है. अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो आपको इनको यूज करना जरूरी है ताकि आप ग्रुपिंग कर पाए. और सेम विद एल्स. तो इफ कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक रन हो जाएगा, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक रन होगा. कमेंट के थ्रू भी यहाँ मेंशनड है कि ट्रू ब्लॉक कौन सा और फॉल्स ब्लॉक कौन सा. ठीक है.
तो अब चलते हैं अपने कंपाइलर पर ताकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं एंड उसके बाद फिर हम ये तीन प्रोग्राम समझेंगे। तो दोनों को छोटे छोटे एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर अपन प्रॉपर जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हर प्रोग्राम में इतना तो हमें लिखना ही होता है और ये शायद आपको अब तक समझ में भी आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ए जिसमें मैंने एंटर किया 5, ठीक है। अब मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन 2 और मैंने यहां लिख दिया प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने मैसेज लिख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो इफ कंडीशन थी ए ग्रेटर देन 2 और इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट एफ रन हो जाएगा, इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ नहीं होगा। और इफ के साथ एक ही प्रिंट एफ है इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, ऑप्शनल है, हम चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो ए इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए में 5 है जो कि 2 से बड़ा है। अब अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते तो भी ये सही चलेगा, तो आप इसको कट करो और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो। तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, आप चाहें कि मुझे एक लाइन है तो भी कर्ली ब्रेसेस लगाने तो वो भी आप कर सकते हो। तो चेंज करो, सेव करो, रन कर दो, फिर भी आउटपुट सेम आएगा। अब सपोज हम इसको कंपेयर करते हैं 20 से, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉल्स, तो आप कहेंगे फॉल्स क्योंकि 5 20 से बड़ा नहीं है, इट मीन्स ये चीज प्रिंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने फॉल्स वाला ब्लॉक लिखा ही नहीं है। तो आप देख सकते हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि else वाला पार्ट भी प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे else। अब देखो else के साथ भी वही है, अगर एक लाइन है तो curly braces अवॉइड भी कर सकते हो, एक से ज्यादा है तो लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहां लिख देता हूं फॉल्स ब्लॉक। तो अब अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आ जाएगा फॉल्स ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पर एक और लाइन लिख देते हैं, यहां मैंने लिख दिया ट्रू ब्लॉक। तो देखो अब कर्ली ब्रेसेस का रोल है कि अगर आपके पास दो लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। तो अगर आप इसको ट्रू कर दें, 5 की जगह मैं इसको कर देता हूं 50, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो आप देखोगे कि दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएंगी, ए इज ग्रेटर देन 2 एंड ट्रू ब्लॉक दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इफ एल्स को मैनेज करेंगे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रू पार्ट पे फोकस करना है तो सिंपल इफ, ठीक है, और अगर इफ एल्स मतलब ट्रू फॉल्स दोनों पार्ट पे फोकस करना है तो इफ एल्स यूज करेंगे। अगर एक लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, एक से ज्यादा लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं अपने प्रोग्राम्स पर। तो इन तीनों प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करने के बाद और थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें कि और क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो पहले इन प्रोग्राम्स को समझ लेते हैं ताकि आप इफ एल्स से और फैमिलियर हो जाएंगे, फिर उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहला है एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग ऑफ अ पर्सन। तो वोट डालने का राइट होता है, तो हम बात करेंगे इंडिया की क्योंकि मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ और हिंदी इंडिया में ही चलता है, तो मोस्टली इंडियन व्यूअर्स ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इंडिया में वोट डालने की एलिजिबिलिटी है 18 एंड अबव, आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया एज, फिर लिखा प्रिंट एफ और यूजर से पूछ लेते हैं एंटर योर एज, स्कैन एफ पर्सन डी कॉमा एन पर्सन एज, ठीक है। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू यूजर की एज इनपुट हो जाएगी, फिर हमें अप्लाई करना है इफ कंडीशन। तो अब यहाँ कंडीशन क्या लगेगा, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो अब देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑपरेटर्स, शायद वो फोर्थ वीडियो था, देखते हैं पीछे अगर चलते हैं, हाँ फोर्थ वीडियो या लेक्चर नंबर 4 आप देखेंगे तो ऑपरेटर्स में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू को भी यूज कर सकते हैं, तो वो अभी हमने यहाँ यूज किया। तो अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो आप प्रिंट कर सकते हैं
एलिजिबल फॉर वोट और अगर नहीं है तो एल्स में आप प्रिंट कर सकते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोट, राइट। तो हमने ट्रू पार्ट भी लिख दिया और फॉल्स पार्ट भी लिख दिया। अब इसको सेव कर दीजिए, कंपाइल करके रन करते हैं। तो अब जैसे मैंने एज एंटर किया 30, तो आउटपुट आया एलिजिबल फॉर वोट, राइट। फिर से रन करते हैं, इस बार मैंने एंटर किया 18, तो अगेन आप देख रहे हो एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि 18 है तो आप एलिजिबल हो। अब अगर 18 से कम एंटर किया लाइक 10, तो आउटपुट क्या आ गया, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हमने प्रोग्राम को एक ही बार लिखा बट तीन डिफरेंट एजेस के लिए हमने इसको चेक किया। तो ये प्रोग्रामिंग का बेनिफिट होता है और आपको इफ एल्स का यूज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप चाहें कि हम कर्ली बेसिस को भी एक बार यहाँ इंक्लूड कर लें, तो इस प्रिंट एफ को मैं कट कर रहा हूँ, इसके अंदर लिखा, ठीक है। और मैं यहाँ एक और प्रिंट एफ लिख देता हूँ जिसमें मैंने लिख दिया ट्रू ब्लॉक, एंड सिमिलरली एल्स को मॉडिफाई करते हैं। तो ये प्रिंट एफ, एक और प्रिंट एफ लिखा और यहां मैंने लिखा फॉल्स ब्लॉक। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ट्रू ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक। हो सकता है जब आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली आपको इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने पड़े, तो ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कर्ली ब्रेसेस भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर इफ के ट्रू पार्ट में भी दो लाइन है तो हमने इफ के साथ कर्ली ब्रेसेस यूज किए, और एल्स के साथ भी दो लाइन है तो हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किए, ठीक है। और अभी भी आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन करेगा। तो एक बार हम एंटर कर देते हैं 20, तो एलिजिबल फॉर वोट एंड ट्रू ब्लॉक दोनों चीजें प्रिंट हुई। और अगर इसको फिर से रन करें और एंटर किया 10, तो आप देख सकते हैं नॉट एलिजिबल फॉर वोट एंड फॉल्स ब्लॉक दोनों प्रिंट हुए। तो इस तरीके से हम कर्ली ब्रेसेस को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितने स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स में। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू में दो स्टेटमेंट है तो आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए और फॉल्स में एक ही स्टेटमेंट है तो आपने उसको अवॉइड कर दिया, तो ये चीज भी वैलिड होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रू ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस लगाया तो एल्स के साथ भी कर्ली ब्रेसेस लगाए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। तो ये पहला प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोग्राम, फाइंड आउट मैक्स अमंग टू नंबर्स। तो अब इसमें यूजर से दो नंबर इनपुट करवाने पड़ेंगे, तो फाइंड आउट मैक्स अमंग टू नंबर्स, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ए बी। यूजर से हमने इनपुट करवाना है तो हमने लिखा एंटर टू नंबर्स, तब दो नंबर इनपुट कराएंगे तो स्कैनफ में परसेंट डी हमें दो बार लिखना पड़ेगा, पहला नंबर ए में जाएगा और दूसरा नंबर बी में, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं इफ, तब यहां लिखोगे इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अगेन अब कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें एक ही प्रिंट एफ इफ और एल्स के साथ यूज करना है। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, ए इज मैक्स और एल्स में लिख दिया प्रिंट एफ इज मैक्स। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ए बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बी ए से बड़ा है। तो अभी यहां ध्यान रखना कि हम इक्वल वाला केस चेक नहीं कर रहे हैं। वो कैसे चेक होगा वो मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम ट्रू और फॉल्स पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, मतलब दो सिचुएशन। अगर हम इक्वल वाला केस भी चेक करें तो वहां तीन सिचुएशन हो जाएंगी। पहली सिचुएशन ए बी से बड़ा हो सकता है, दूसरी सिचुएशन बी ए से बड़ा हो सकता है, और तीसरी सिचुएशन दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ और एल्स इफ। तो वो आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 8, तो वहां पर मैं ये दो चीजें बताऊंगा, नेस्टेड इफ और एल्स इफ, ठीक है। तो वहां पर हम ये समझेंगे कि हम तीन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आप अगले वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं, तो पहला नंबर 10 और दूसरा नंबर 20, तो देखो आउटपुट में क्या आया, बी इज मैक्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ए और बी की जगह उनकी वैल्यूज भी प्रिंट हो जाए, तो ए की जगह लिख दिया परसेंट डी एंड ए, और बी की जगह लिखा परसेंट डी और कॉमा बी। तो अब इसको रन करते हैं तो अब देखिएगा वैल्यूज प्रिंट होंगी, तो 10, 5, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, 10 इज मैक्स।
तो इस तरीके से आप प्रिंट एफ को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्रिंट एफ के तो आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, जब आप सेवंथ लेक्चर इस वीडियो सीरीज का देख रहे हैं तो आपने बहुत बार प्रिंट एफ को यूज करते हुए देखा और आपने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया होगा खुद से। और मैं अज्यूम करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग तब तक ही ईजी है जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे टफ कुछ भी नहीं। तो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और मेरे हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं आपको चीजें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ बता रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट करिएगा, मुझसे डिस्कस करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो, ताकि आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आए। अब ये लास्ट प्रोग्राम है, चेक अ नंबर फॉर इवन और ऑड। तो पहले ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा और फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो इफ और एल्स यूज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम को समझने के बाद वो वाली चीजें भी देखिएगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। तो पहले हम चेक करते हैं इवन ऑड। तो इवन ऑड तो शायद सबको मालूम होगा, तो जो नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो इवन, और जो नहीं होते हैं वो ऑड। तो अब अपन को वही चेक करना है। तो यूजर आपको एक नंबर देगा, आपको ये बताना है कि वो नंबर जो यूजर ने इनपुट करवाया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर इनपुट करवा लेते हैं। स्कैनर पर्सन डी एम्परसेंड एन। ठीक है, नंबर अपने पास आ चुका है। अब हमको चेक करना है कि नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो अगर कोई भी नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक, तो मैंने ऑपरेटर्स वाले वीडियो में रिमाइंडर को यूज करना बताया था। अगर आपको ध्यान हो और आपने वो वीडियो देखा हो तो आपने इस सिंबल को देखा होगा। तो इसको नीचे लिख देते हैं कमेंट के अंदर। इस सिंबल का नाम होता है मॉड्यूलस, और ये क्या कैलकुलेट करता है? रिमाइंडर वैल्यू। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे? इफ एन मॉड्यूलस टू डबल इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहां दो ऑपरेटर यूज किए हैं, एक तो मॉड्यूलस और एक डबल इक्वल्स टू। तो पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी क्योंकि मॉड्यूलस की प्रेसिडेंस हाई होती है। तो पहले जो भी नंबर आपने इनपुट किया वो टू से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया n 10, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इस पूरी इक्वेशन का रिजल्ट हो गया 0, और उसको किससे कंपेयर किया? 0 से। तो दोनों इक्वल निकले। तो कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स यूज करते हैं कि दोनों जो एंटिटीज हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट एफ नंबर इज इवन, और एल्स में आप लिख दोगे प्रिंट एफ नंबर इज ऑड। ठीक है, तो मॉड्यूलस की वर्किंग और अच्छे से समझनी है, या और जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक डबल इक्वल्स टू या और भी जितने ऑपरेटर्स हैं, तो उसके लिए लेक्चर नंबर 4 देखना पड़ेगा। तो अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें वीडियो नंबर 4 देखेंगे तो आप ऑपरेटर से फैमिलियर हो जाएंगे। तो एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज में इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो अगला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने एंटर किया 10, तो आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है नंबर इज इवन। फिर से इसको रन करते हैं, और मैंने एंटर किया 9, तो ये प्रिंट कर रहा है नंबर इज ऑड। तो दोनों केसेस में ये प्रॉपरली रन कर रहा है। तो इस तरीके से जो अपनी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल की। तो आपने देखा कि इफ और एल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इफ और एल्स में कहाँ क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, और छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रिंट एफ स्कैन एफ को तो हटा देते हैं, वेरिएबल को भी हटा देते हैं। ठीक है, तो पहले सीधा सीधा चलते हैं 5 greater than 2, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, और यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कम क्लासेस या वीडियोस में देखने को मिलेगा, बहुत कम लोग ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम सेमीकोलन प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो हम हर लाइन के बाद सेमीकोलन पुट कर देते हैं। तो गलती से कई बार क्या होगा, आप इफ के बाद भी सेमीकोलन लगा देंगे। तो इफ के बाद जब आप सेमीकोलन लगाएंगे
तो सेमीकोलन क्या करता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है. इट मींस ये जो इफ है वो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, और ये जो प्रिंट एफ एल्स और प्रिंट एफ ये अनाथ हो गए. अनाथ मतलब ये इफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो प्रिंट एफ एल्स और प्रिंट एफ ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है. इट मींस इनको कंपाइलर सेपरेटली ट्रीट करेगा. अब एक चीज बताओ, क्या हम बिना इफ के एल्स लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है. बिना कंडीशन के आप एल्स नहीं लिख सकते, उस केस में एरर आ जाएगी. तो जब कभी भी आप इफ के बाद सेमीकोलन पुट करेंगे और उसको सेव करके कंपाइल करोगे तो कंपाइलर आपको एरर शो करेगा, देखो, और ये एरर शो करेगा एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ. तो हमने इफ को यही रोक दिया, मतलब ये इफ इंडिपेंडेंट है, अब इसको एल्स से कोई मतलब नहीं है. बट एल्स बिना इफ के इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, इसलिए ये एरर आ जाएगी. तो हमेशा ध्यान रखो, इफ के बाद कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं करना, ठीक है. अब अगर मैं इसको हटा देता हूं और फिर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, तो अब बताओ क्या होगा, एरर आनी चाहिए या नहीं? तो अगर आप बोल रहे हैं कि एरर नहीं आनी चाहिए तब तो आप सही हो, और आप बोल रहे हो कि एरर आनी चाहिए तो आप गलत हो. क्यों? क्योंकि एल्स है ही नहीं अब, और इफ के बाद अगर सेमीकोलन लगा दिया तो ये प्रिंट एफ इफ के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो इफ ट्रू हो या फॉल्स हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा रन होगा, ठीक है. इफ ट्रू हो या फॉल्स हो प्रिंट एफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रन होगा. तो देखो, इफ कंडीशन अभी ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ट्रू प्रिंट हुआ. अब इसको फॉल्स कर देते हैं, 1 greater than 2, अब ये फॉल्स है. बट आप देखोगे कि प्रिंट एफ अभी भी प्रिंट करेगा ट्रू को. क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ को इफ से कोई मतलब ही नहीं है, आपने सेमीकोलन लगा के दोनों को अलग अलग कर दिया. तो जब आप सेमीकोलन रिमूव करेंगे अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है. तो अब देखो, सेमीकोलन का इतना बड़ा रोल होता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेमीकोलन यूज किया और एल्स नहीं लिखा तो क्या होगा, और सेमीकोलन यूज किया और एल्स लिखा तो क्या होगा, ठीक. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. अब हम एल्स के बाद सेमीकोलन पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. तो इफ कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और एल्स के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि ये प्रिंट एफ अब इफ एल्स का पार्ट नहीं है, ये हमेशा रन होगा, ठीक. तो एक तरीके से ये हुआ कि इस एल्स को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर एल्स के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो एल्स को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये प्रिंट एफ तो हमेशा चलेगा. जबकि ये चलना कब चाहिए? जब इफ कंडीशन फॉल्स होगी. बट अगर आपने सेमीकोलन पुट कर दिया तो आप इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ट्रू भी प्रिंट हो गया और फॉल्स भी प्रिंट हो गया. तो ऐसा भी कई बार हो जाएगा कि आप एल्स के बाद सेमीकोलन पुट कर देंगे और चीजें, मतलब जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट शो हो रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब बात करते हैं, मैंने आपको जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, ऑपरेटर वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो मैंने वहां पर एक चीज बताई थी कि जीरो का मतलब तो होता है फॉल्स और नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू, ठीक है. जीरो का मतलब होता है फॉल्स और नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू. तो अब उसको यहां देखते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके. तो मैंने लिख दिया इफ के अंदर जीरो, तो आप कहोगे कि ये तो कंडीशन ही नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं? बट लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो नॉन जीरो भी ट्रू फॉल्स को इंडिकेट करता है प्रोग्रामिंग के अंदर. तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है, फॉल्स. प्रॉपरली रन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर हम यहाँ लिख देते हैं 5, तो ये ट्रू को इंडिकेट करेगा, क्योंकि नॉन जीरो है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा. अगर ये -5 होगा तो भी ट्रू प्रिंट होगा. तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमेशा ट्रू को इंडिकेट करती है, और जीरो हमेशा फॉल्स को इंडिकेट करता है, ठीक है. और अगर आप चाहें कि एक वेरिएबल बनाएं, उस वेरिएबल में 5 स्टोर करें और उसको फिर यहां पर यूज करें, तभी भी ये सेम बिहेव करेगा, ट्रू प्रिंट हो रहा है. तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है उनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और उनको वेरिएबल में रैप करके भी यूज कर सकते हैं. अगर वैल्यू जीरो है तो फॉल्स, अगर वैल्यू नॉन जीरो है तो ट्रू. तो इस तरीके से आप इनको ट्रीट करेंगे, ठीक है. अब हम कई बार ये चीज लिखते हैं, जैसे n double equals to 5, तो n की वैल्यू क्या है 5,
तो दोनों इक्वल हैं तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब गलती से कई बार क्या होगा, आप सिंगल इक्वल्स टू लगा देंगे और आप इसको जीरो से कंपेयर करा रहे हैं, ठीक, या हम मान के चलते हैं इसको टू से कंपेयर करा रहे हैं, एन है फाइव और हम कंपेयर करा रहे हैं टू से, और गलती से हमने डबल इक्वल्स टू की जगह क्या लगा दिया, सिंगल इक्वल्स टू, तो ये एरर होना चाहिए या नहीं? तो आप एक बार के लिए बोलोगे कि ये तो एरर है, ऐसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, बट सिंगल इक्वल्स टू भी एग्जिस्ट करता है और वो क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है, तो अगर आप इसको कंपाइल करोगे तो ये कोई एरर ही शो नहीं करेगा, देखो, क्योंकि ये वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये एक लॉजिकल एरर हुई कि आपने डबल इक्वल्स टू की जगह सिंगल इक्वल्स टू लगा दिया, तो इसमें होगा क्या, टू एन के अंदर असाइन हो जाएगा, तो ये बेसिकली इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा एन, और एन की वैल्यू क्या हो गई, टू, तो फाइनली ये बनेगा इफ टू, और टू एक नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ये ट्रू कंसिडर हो जाएगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो अगर मैं लिखता हूं एन इक्वल्स टू टू, इसको सेव किया और इसको रन करवा दिया, तो आप देखोगे ट्रू प्रिंट हुआ, और अगर यहां जीरो लिख देते तो फिर फॉल्स प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब हम इफ के अंदर ये कैलकुलेशन लिखते हैं तो ये भी प्रॉपरली सॉल्व होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स डिसाइड होता है। बट अगर आप ये लिखते, जैसे अभी हमने इवन ऑड चेक किया था n मॉड्यूलस 2, और फिर आप ये लिखोगे इक्वल्स टू, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होगा तब तो वैलिड है, अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n मॉड्यूलस 2 फाइनली एक कॉन्स्टेंट आपको देगा, तो अगर n 5 है, 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हम 1 में 0 असाइन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में कभी भी कुछ भी असाइन नहीं होता। तो अब इसको अगर सेव करके कंपाइल करेंगे तो ये एरर शो करेगा, देखो l वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, मतलब इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल रिक्वायर्ड है, आप एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। तो अगर डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तब तो ये वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इफ एल्स यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, क्योंकि बहुत हिडन फैक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली क्लासरूम के अंदर नहीं बताए जाते हैं, ये आपको और बहुत सारी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और इफ एल्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आपको दो ही पार्ट बताए, सिंपल इफ और इफ एल्स। इसका एडवांस वर्जन अगले वीडियो में आएगा जिसमें आप नेस्टेड इफ और एल्स इफ समझेंगे, और इतने सारे प्रोग्राम्स मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। तो ये वीडियोस देखना ना भूलें, और पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो सारे वीडियोस को फॉलो करें अगर आप बिगिनर हैं और आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये मेरी डिटेल्स हैं, आप मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। सो आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।